चलो, कंप्यूटर फंडामेंटल और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का जो आज का टॉपिक होता होगा, दैट विल बी द स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड्स। स्लॉट्स मतलब ये क्या, एक्सपानशन अटैचमेंट, मतलब कि आपका मदरबोर्ड में जो कुछ भी लगता है उसे आप सॉकेट भी बोल सकते हो या फिर स्लॉट्स भी बोल सकते हो। मतलब कि जहाँ पे आपका प्रोसेसर लगता है, रैम लगता है, हार्ड डिस्क लगती है, ग्राफिक्स कार्ड लगता है, साउंड कार्ड लगता है, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सभी को हम बोल सकते हैं एक्सपांशन स्लॉट्स। प्रोसेसर का तो बट ऑब्वियस से फिक्स आता ही है, लेकिन अदर देन प्रोसेसर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लॉट्स या फिर आपको सॉकेट्स जो मिलते हैं फॉर अटैचिंग एडिशनल कंपोनेंट्स टू योर कंप्यूटर, ठीक है, और जो साथ में सब मिल के काम करते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लॉट्स कौन से हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो है जो है मेमोरी स्लॉट्स। अब ये जो मेमोरी स्लॉट्स होते हैं जनरली आपके नॉर्मल मदरबोर्ड्स में दो ही लगते हैं। अब यहाँ पे फिर भी मैंने फोर बताई है, क्यों बताई वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको जो देखना है, आपका जो स्लॉट है या फिर मदरबोर्ड है वो कौन सा मेमोरी स्लॉट सपोर्ट करता है, वेदर इट इज़ एन DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। आज के जो नए मदरबोर्ड्स आते हैं वो सब DDR4 के ही आते हैं। DDR1 और DDR2 तो कम्प्लीटली बंद ही हो गए, कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर सेकंड हैंड में भी खरीदना है तो वो मत खरीदना आप, क्योंकि उसका बाद में जो मेंटेनेंस होगा, रिपेयरिंग कॉस्ट होगा, वो भी एक्सट्रीमली हाई होगा। और आपकी रैम मान लो चल नहीं रही अब उसकी, तो आपको वो पुरानी रैम भी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी। DDR3 है तो भी चलेगा अभी, क्योंकि कई जगह पे DDR3 की सेकंड हैंड रैम आज की डेट में भी मिल जाती है। DDR4 ही आपको खरीदना है। अब मान लो आपके प्रोसेस मदरबोर्ड में दो स्लॉट्स यहाँ पे मेमोरी के अटैच दिए गए हैं। अब स्लॉट वन में आप मेमोरी अटैच करो या फिर स्लॉट टू में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है परफॉर्मेंस का। हाँ, लेकिन जब आपके प्रोसेसर में फोर पोर्ट्स दिए गए हो, फोर स्लॉट्स दिए गए हो, तो अब आपको कलर कोडेड को फॉलो करना है। कोई भी कलर हो सकता है, यहाँ पे ब्लैक और रेड का जो दिया है ज़रूरी नहीं कि वही हो। किसी में डार्क ब्लू आता है, लाइट ब्लू आता है, ब्लू एंड ब्लैक आता है, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है, लेकिन आपको कलर कोड को फॉलो करना है। मतलब कि फर्स्ट मेमोरी स्लॉट आपने ब्लैक में लगाया है, अब फ्यूचर में आपको मेमोरी को अपग्रेड करना है, तो सेकंड स्लॉट जो आप लगा उसको भी ब्लैक में ही अटैच आपको करने का है। ये आपको माइंड में रखना है। अब क्यों करना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एन इंटरनल टेक्नोलॉजी ऑफ योर मदरबोर्ड। उसका जो रीड राइट का जो पूरा बस और सर्किट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसे स्मूथली और बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे छोटे से दो जो वाइट हुक जो दिख रहे हैं, दैट इज एन मेमोरी होल्डर। अब वो आपकी मेमोरी को होल्ड करके रखेंगे जेंटली। जब आप उसको सबसे पहले तो बाहर की डायरेक्शन में उसे ओपन करना है, दोनों हुक को जहाँ पे भी आप मेमोरी स्लॉट लगा रहे हो, बाद में मेमोरी को यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे छोटा सा जो गैप दिख रहा है ब्लैक के बीच में और रेड के बीच में, ठीक है, मेरा जो कर्सर है वो आप देखना, ये जो थोड़ा सा वाइट सेपरेटर है ना, सॉरी रेड सेपरेटर, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लैक सेपरेटर दिख रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको आपकी मेमोरी में भी दिखेगा। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ पे आपको बीच वाली जगह पे आपको मेमोरी को प्रेस करना है, और ये जो दो हुक है अंदर की डायरेक्शन में आके ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को होल्ड कर लेंगे। मतलब कि वो लूज कनेक्शन का जो इश्यू होता है वो इसमें नहीं होता है। अगर अपने आप नहीं हो रहा है तो आप खुद से ये दोनों हुक को अंडर की डायरेक्शन में, मतलब कि मेमोरी के साइड स्लॉट जो होता है उसकी साइड आपको हाथ से खींच के उसे प्रेस कर देना है, तो आपका जो लूज कनेक्शन होगा मेमोरी का वो उसका इश्यू नहीं होगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसर का भी जो सॉकेट है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हार्ड डिस्क का है, और ये जो ID मतलब कि पाटा पोर्ट्स है, दैट इज़ एन ओल्ड टाइप ऑफ स्लॉट विच आर बीन यूज ऑन योर मदरबोर्ड और फॉर योर हार्ड डिस्क। मतलब के जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क आती थी, ठीक है, उसमें ये सब ये अटैच होता था। अब नई टेक्नोलॉजी वो है, वो साटा को फॉलो करती है। अब ये जो जनरली है यहाँ पे 6 GPS का है, ठीक है, मतलब के पर सेकंड वो 6 GB बीट, बाइट नहीं बीट, मतलब के उसका जो डिफरेंस है बीट और बाइट का वो आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 GB जो लिखा है दैट इज़ एन बिट नॉट फॉर बाइट, ये आपको याद रखना है। और /S जो लिखा है दैट इज़ फॉर एन सेकंड। यहाँ पे टोटल 6 SATA स्लॉट्स आपको दिए, मतलब कि आप कोई भी एडिशनली 6 आइटम लगा सकते हो। 4 हार्ड डिस्क लगाओ, 2 राइटर लगाओ, 1 हार्ड डिस्क लगाओ, या फिर 6 हार्ड डिस्क लगाओ, आप पे है।
यहाँ पे जो SSD का मैंने प्रीवियस वीडियो में छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि नई जो टेक्नोलॉजी आती है हार्ड डिस्क की आज की डेट में, दैट इज़ एन SSD हार्ड डिस्क, वो भी इसी स्लॉट्स में आपको अटैच करनी है। उसके लिए नया मदरबोर्ड आपको रिप्लेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। SSD मतलब के सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। पुराना वाला था, अब जो है वो बंद हो गया। अब जो हार्ड डिस्क आती है उसमें जनरली दो सॉकेट्स होते हैं, एक सॉकेट पावर सप्लाई का होता है, दैट इज़ फ्रॉम एन डायरेक्टली SMPS, SMPS में से आपको उसको पावर सप्लाई देना है, और जो डेटा हैंडलिंग का जो केबल होता है, मतलब कि उसका डेटा केबल जो होता है वो यहाँ पे आपका अटैच करना है। हार्ड डिस्क में एक पॉइंट अटैच होगा और दूसरा पॉइंट आपका मदरबोर्ड पे अटैच होगा। ID आपको कहीं भी आप आज की डेट में नहीं दिखेगा। आप फ्लॉपी डिस्क भी ऐसे ही आती थी पहले की ID में, लेकिन इतनी पिन उसमें नहीं आती थी, उसमें कम पिन्स थी और हार्ड डिस्क में ज़्यादा पिन थी। फ्लॉपी डिस्क क्या है वो भी हम आगे के वीडियो में रीड आउट करेंगे। वो सबसे पहला रिमूवेबल स्टोरेज था, आप ऐसा भी बोल सकते हो। जैसे कि आज की डेट में हमारी जो पेन ड्राइव थी वो सबसे पहला जो रिमूवेबल स्टोरेज था, दैट वॉज एन फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट में जो आता है दैट इज एन PCI एक्सप्रेस स्लॉट। अब PCI एक्सप्रेस स्लॉट मतलब कि क्या, यहाँ पे कुछ लिखा है X1, X4, X8, X16 और X32। तो अब ये चीज़ क्या है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्लाइड को चेंज करके यहाँ पे जो पिक्चर है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट है वो एन X1 है, नेक्स्ट में आता है X16 और ये आता है PCI, मतलब कि कुछ भी पीछे नहीं है। अब आज की जो नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ X8, X16 और X32 वाले आपको स्लॉट्स दिखते हैं। अब ये क्या है, X16 मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल X16 है तो X1 का स्लॉट है, मतलब कि सबसे छोटा स्लॉट है, तो उसकी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि कितनी तेज़ी से वो एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन को डेटा भेजता है या फिर लेता है, लेकिन वो कितना डेटा लेके जाता है या फिर कितना डेटा लेके आता है वो होता है X1, X4 और X8। मतलब कि X1 है तो एट अ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बीट पर साइकिल। यहाँ पे X2 है मतलब कि 2 बीट्स पर साइकिल वो डेटा कैरी करता है, कैन मूव डेटा एट 2 बीट्स पर साइकिल। साइकिल मतलब कि एक टाइम डेटा लेके जाना, वापिस दूसरा डेटा लेके जाना, वापिस तीसरा डेटा लेके जाना। अब बीट्स क्या है, 1 एक बीट हुआ, बाद में 0 वो दूसरा बीट हुआ, बाद में वापस 1 आया तो वो तीसरा बीट हुआ, मतलब कि 1 1 0 0 0 1 1 1 वो एट ए टाइम सेट ऑफ 2 बिट्स वो कैरी करता है X2 अगर है तो। अगर आप बाद में X4 हो तो वो 4 बिट कैरी करेगा, 0 0 0 0 वो 4 बिट्स हुए, 0 0 1 1 वो भी 4 बिट्स हुए, 1 0 0 1 वो भी 4 बिट्स हुए। मतलब कि उसका जो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो उसका भी एक मीनिंग होता है। मैंने जो कुछ भी बोला 1001 आखिर क्या है, उसका एक मीनिंग होता है, वो आगे के वीडियोस में और हम देखेंगे। लेकिन एट अ टाइम्स 4 बिट्स वो कैरी करता है। बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है, MB क्या है, KB क्या है, वो सब हम आगे के वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन अभी सब आप सिर्फ वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। अब दूसरा, ये आपने यहाँ पे अगर देखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली यू कैन इंसर्ट एन X8 कार्ड इन टू अ X4 बट इट विल ओनली वर्क विथ हाफ बैंडविथ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि X16 वाला अगर आपके पास कार्ड है तो उसमें आप अटैच कर पाओगे, छोटे वाले में भी वो अटैच होगा, लेकिन उसकी जो बटोबेस है डेटा ट्रांसफर स्पीड होगी वो तो आधी हो जाएगी ना। कार्ड पे कम्युनिकेशन डिपेंड नहीं होता है, हमारा जो स्लॉट है उस पर डिपेंड होता है हमारा कम्युनिकेशन। मतलब कि आपके पास अच्छे से अच्छा चार्जिंग केबल है मोबाइल का, जो USB 3 Amp की हाईएस्ट मान लो अभी जो चार्जिंग कैपेसिटी सभी मोबाइल्स की है वो है आपके पास, लेकिन आपका जो USB डोंगल है जहाँ पे आप केबल लगाते हो और वो डोंगल आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अटैच करते हो, वो आपका पुराना वाला है 1.5 Amp का मान लो, समझ लो वो है, या फिर 0.5 Amp का है वो पुराना है, मतलब कि पूरा चार्जिंग ही आपका स्लो ही होगा ना। वहाँ से ही अगर डेटा नहीं आ रहा है तो आपका केबल का क्या मीनिंग। तो ठीक वैसे ही अगर आपका अच्छा वाला कार्ड है लेकिन आप स्लो कम्युनिकेशन वाले स्लॉट में आप उस कार्ड को अटैच कर रहे हो, मतलब कि फाइनली आपका स्लो कम्युनिकेशन पूरा स्लो ही होगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो PCI है वो कम्प्लीटली आप समझ लो ना आउट ऑफ डेट ही हो गए, काफ़ी कम मदरबोर्ड्स में वो दिख रहे हैं और वो भी वन स्लॉट ही प्रोवाइड करते हैं, अगर कुछ ज़रूर हो जाए इसलिए, ठीक है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसमें वो अटैच कर सकते हैं, लेकिन अब
पूरे का पूरा पीसीआई को रिप्लेस कर दिया है पीसीआई ने। अब पीसीआई और पीसीआई में दोनों में बस टेक्नोलॉजी वाइज ही डिफरेंस है, बाकी दोनों में आज की डेट में सब अटैच होता है। मतलब कि आपको मान लो लैन कार्ड लगाना है, साउंड कार्ड लगाना है, तो आप दोनों में लगा सकते हो, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, वीडियो कार्ड गेमिंग के लिए वो लगाना है, तो पहले पीसीआई में वो नहीं अटैच होता था। नो डाउट अभी तो वो जो आता है पीसीआई का ही आता है नया। अगर आप साउंड कार्ड ले ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो या फिर गेमिंग कार्ड के लिए जो कार्ड आता है वो आप खरीद रहे हो, तो वो तो नया वाला पीसीआई में ही लगता है। लेकिन पुराना में क्या था, उसका जो स्लॉट था उसे बोलता था, उसे बोला जाता था एजीपी। यहाँ पे डार्क ब्राउन का जो दिया हुआ है ना वो, और ये जो आइवरी और ये या फिर वाइट कलर में जो वो दिख रहा है, दैट इज एन पीसीआई। यहाँ पे वीडियो कार्ड अटैच होता था, ग्राफिक्स कार्ड, और यहाँ पे साउंड कार्ड और लैंड कार्ड जो था अटैच हो रहा था पूरा। अब नए वाले में तो जैसे मैंने कहा, ये कलर को आप कॉन्सेंट्रेट मत करना, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये येलो कलर रंग का यहाँ पे दिया हुआ है, तो सब मदरबोर्ड में ये येलो कलर का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कलर चेंज हो सकता है लेकिन दिखने में वो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब पीसीआई भी बंद हो गया, एजीपी भी बंद हो गया, ये सब पुराना था। अब पीसीआर और एजीपी के पहले और उससे पहले जो पुराने मदरबोर्ड्स थे उसमें जो आता था, डेट इज़ एन ISA, यहाँ पे जो ब्लैक वाले जो दिए हुए वो, और यहाँ पे जो फिर से दिखाया है डेट इज़ एन PCI। यहाँ पे भी दो PCI और यहाँ पे भी देखो आप थोड़े से दो PCI आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, दो PCI दिख रहे होंगे। अब उसमें क्या था कि पहला का जो वर्जन था, दो वर्जन इसमें आया था, जैसे कि मैंने कहा था ना X1, X4, X2, X16 PCIe के जो डिफरेंस वर्जन्स वो अवेलेबल है, उसमें दो थे, एक था 8 बिट का और दूसरा था 16 बिट का। अब ये तो बात बट ऑबियस है कि X1, X2, X4 से ज़्यादा ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें ISA में, 8 बिट और 16 बिट दो वेरिएंट थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, इसकी क्लॉक स्पीड, इसमें मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड थी दैट इज वॉज एन 33 मेगाहर्ट्ज़, काफ़ी कम, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो काफ़ी कम थी। मतलब कि कोई बंदा एट अ टाइम एक बैग छोटा सा कैरी करके जा रहा है दोनों हाथों में, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड में वन बैग है और दूसरे बैग में भी वन बैग है, लेकिन जहाँ पे उसे पहुँचाना है वो 15 मिनट में वो वापिस आ जाता है। अब ये इसमें क्या हुआ, वो आधे घंटे में वापस आता है, वही वेट 8 बिट PCIe की बात कर रहे हो और 8 बिट ISI की बात कर रहे हैं। तो PCIe में क्या होता है, वो 15 मिनट में बैग रख के वापस आ जाता है, और ISI में क्या था, वो आधे घंटे के बाद वापस आ रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, मतलब कि क्लॉक फ्रिक्वेंसी उसकी काफ़ी लो थी। अब 1981 में तो ये यही चीज़ चल रही थी, उसके अलावा तो कुछ और था ही नहीं 8 बिट ISI के अलावा। और दूसरा बाद में आया उसका नया वर्जन 1984 में 16 बिट वाला, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया आगे, तो 1990s में बाद में PCIe और AGP स्लॉट्स आए थे, और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। तो बस इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको स्लॉट्स मदरबोर्ड्स पे दिखेंगे, लोकेशन सबकी चेंज होती रहेगी लेकिन दिखने में तो सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। आप मदरबोर्ड आपके पास डेस्कटॉप है तो उसे आप ओपन करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मेमोरी स्लॉट्स कहाँ पे होते, साटा स्लॉट्स हार्ड डिस्क के आज की डेट में कहाँ पे होते, लोकेशंस चेंज होगी, कलर चेंज होगा, लेकिन जो उसका ओवरऑल डिज़ाइन फॉर्मेट होता है, मतलब कि बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो PCIe में थोड़ा सा जो गैप है कट दिया हुआ है, मेमोरी में भी मैंने बताया था, साटा में भी थोड़ा सा आता है। देखो यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू एक्स्ट्रा दिया गया है एल जैसा, ठीक है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, वाइट में देखो यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पिन मिसिंग है, यहाँ पे IDE पोर्ट में देखो बीच वाले यहाँ पे छोटा सा ब्लैक डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक पिन मिसिंग है। कलर को आप कॉन्सेंट्रेट मत करना, ओवरऑल पिनिंग पिन फॉर्मेट और जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करोगे आप, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमारे मदरबोर्ड पे वो लगती है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, आगे के वीडियोज़ में और भी नई इंटरनल सिस्टम के बारे में हम बात करते रहेंगे, पूरी सिस्टम कहाँ से क्या लगती है वो उसका मैं, अगर खुद से आपको कंप्यूटर असेंबल करना है तो आप कर पाओगे समझ लो, ऐसा ही। तो
ठीक है, आपको कहीं से मदरबोर्ड लेना है, कहीं से प्रोसेसर लेना है, कहीं से हार्ड डिस्क लेनी है, और खुद से आपको पूरा पीसी असेंबल करना है, तो आप कर पाओगे। ठीक है, हम इतना सब कवर करने की ट्राई करेंगे, और वी चैनल को सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन जरूर करना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक जरूर करना है।